पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ये हम सबका मंडली समीक्षा बैठक के लिए माननीय योगी जी ने तीन तीन मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं स्वतंत्र देव स्वयं हूँ, हमारे संदीप जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हमारे संजीव जी राज्य मंत्री, और सभी लोग मिलकर आज मुरादाबाद हैं, फिर रामपुर करेंगे, उसके बाद संभल, बिजनौर, अमरोहा, ये सभी जिलों की समीक्षा करना है। इसमें मात्र जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र और राज्य सरकार, वह योजना का लाभ नीचे तक ठीक ढंग से पहुँचे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, सभी योजना का लाभ गांव गरीब किसान को उसका लाभ मिले, यही सब समीक्षाएं करने के लिए हम सब आए हैं। सड़कों का जाल है, विद्यालय है, पानी की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार की जो स्वच्छता है, ऐसे सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से इस जनपदों में चल रही कि नहीं चल रही है, उसकी समीक्षा बैठक के लिए आज हम लोग आए हैं। अभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, अभी कार्यकर्ताओं को सुने हैं, जनप्रतिनिधियों को सुना है, अभी समाज के लोग बाहर आए हैं, विभिन्न समाज के लोग हैं बाहर एकत्रित हैं, उनका भी विषय सुनूंगा। ये सब सुनने के बाद अधिकारियों के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, और 5 साल की हमारी जो योजनाएं चल रही हैं वह समय से पूरा हो रही कि नहीं हो रही हैं, उसकी भी समीक्षा करने के लिए हम लोग आए। कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का विधायक है, इसके बाद में अगर चुनाव की बात करें तो मुरादाबाद में सबसे ज्यादा विफल पार्टी रही है अब तक, शुरुआती मुलाकात में क्या निकल कर आया, अब तक देखा आपने क्या सामने नजर आ रहा है? देखिए, अब चुनाव बीत चुका है, लेकिन हम सबका काम है गरीबों की सेवा करना, जनता की सेवा करना। गरीबों ने जो मतदान, जनता जनार्दन जो आशीर्वाद दिया है प्रचंड बहुमत का, उस आशीर्वाद के साथ हम सब गरीबों की सेवा करेंगे, सरकार और संगठन के दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे। सर, उधर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, बोल रहे हैं कि डाटा से पेट नहीं भरेगा, भोजन चाहिए, प्रधानमंत्री के जो डेनमार्क में वो है उस पर बोला है। क्या बात करते हैं अखिलेश यादव जी का, जिसके राज में गुंडागर्दी हो, जिसके राज में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, जिसके राज्य में सत्ता सरकार होती नहीं, शासन भी नहीं होता, प्रशासन भी नहीं होता, जो जातिवाद की बात करें, जो क्षेत्रवाद की बात करें, जो वंशवाद को बढ़ावा दे, वह उसका क्या कोई मतलब है क्या? यहाँ तपस्वी लोग हैं, जो परिवार का एक सदस्य भी, आप देखा आदरणीय योगी जी माँ से मिलने के लिए 5-6 साल लगा, परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, आदरणीय मोदी जी जैसे तपस्वी कार्यकर्ता, आज समाज में एक परिवर्तन, उन्होंने सोच बदला है, लोगों की धारणा बदली, सोच बदली है, आज लोग स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, आज विकास नीचे हो रहा है, आज ईमानदारी से किसान सम्मान निधि में 1 रुपये का भ्रष्टाचार उनके अकाउंट में, आप प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड हो, अब उनके घर पानी पहुंचने वाला है, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, और नलों के माध्यम से 24 तक सभी घरों को पानी देने वाले हैं। एक गरीब को खुशहाल रखने के लिए उसको पक्का मकान हो, भोजन फ्री में हो जाए उसका, शौचालय उसके घर में हो, आयुष्मान का कार्ड हो इलाज के लिए, और जल उसके शुद्ध मिल जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसकी तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी, साथ में योग की भी बात होती है, योग करेगा तो बीमारी भी नहीं होगी, इसलिए कहाँ सपा बसपा की बात करें। आप संदीप ये तो रोज का काम है, मुरादाबाद में लेकर इधर सब कार्यकर्ता दलित यहाँ पार्टी चला रहे हैं, ये तो उन्हीं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल रखना ही पार्टी का दायित्व है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।